हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द आर्ट मैन। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्मूथ शेडिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे HB की पेंसिल काम में ले रहा हूँ, HB की ग्रेफाइट पेंसिल काम में ले रहा हूँ। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आपकी बेस लेयर बहुत अच्छी हो, क्योंकि बेस लेयर जितनी अच्छी होगी उसके बाद में आप उसके ऊपर और ज़्यादा लेयर्स यूज़ करोगे तो क्या आपको एक अच्छी डेप्थ मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो 45 डिग्री के एंगल पे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे एक तो कंट्रोल अच्छा रहता है पेंसिल पे, और आपको एकदम देख लो बारीकी से काम करना है। भले ही वो स्मूथ शेडिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग जैसे शेडो एरिया भी है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्मूथ में भी एकदम डार्क शेडो भी होती है और लाइट भी होती है और एक्स्ट्रा लाइट भी होती है, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि नोज़ वाले पार्ट की साइड में मैं स्ट्रोक्स जैसे नीचे की साइड में वैसे यूज़ कर रहा हूँ। आप हाथ के मूवमेंट देख सकते हो मेरे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाओगे, जितना ज़्यादा आराम से बनाओगे, पेशेंस से बनाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा बनते जाएंगे। अपन को बेस लेयर पे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद में अपन इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए। आपको टिश्यू पेपर को उसके कॉर्नर से यूज करना है, ऐसे नहीं आप बीच में से यूज कर रहे हो उसको ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि एक तो कॉर्नर से आपको अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है इसके अंदर। एक एक पार्ट को जो है आपने जहाँ पे पेंसिल यूज़ की उसको एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है। ऐसे मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखी ये चीज़, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि ब्लेंडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, बस वो एक बार बस जल्दी से जल्दी उसको ब्लेंड कर देते हैं, जबकि आपको एकदम धीरे धीरे ब्लेंड करना होता है लेयर को। और यही एक मेरे को ऐसा लगता है कि सीक्रेट है कि बहुत से आर्टिस्ट इसको समझ नहीं पाते हैं। आप देख सकते हो कि मैं ये जो टिश्यू पेपर है इसको देख लो कैसे मैं राउंड में यूज कर रहा हूं। अब देखो जहां पे स्पॉट हो जाते हैं कई कई जगह, जैसे आप टिश्यू पेपर यूज करते हो तो छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उसको आप जैसे टोम्बो इरेजर से या फिर नीडेड इरेजर से आप उसका करेक्ट कर सकते हो, हल्के हल्के से यूज करके उनको इरेज कर दो। जहां पे आपको नीड है फिर आपको सेकंड लेयर में वही प्रोसेस आपको बस यही रिपीट करते जाना है। अब मैं डार्कर पेंसिल यूज कर रहा हूं, आप 2B यूज कर सकते हो, 4B यूज कर सकते हो, बस आपको प्रेशर पे फोकस करना है पेंसिल के कि आपको अकॉर्डिंगली जैसे आपकी जैसे आपका शेडो एरिया है या फिर जैसे स्किन में डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग जितनी लेयर होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनती जाएगी। और अपनी रेफरेंस फोटो है जो उससे ज़रूर मैच करते रहे कि आप एकदम सही तरीके से तो शेड कर रहे हो। अब देखो टिश्यू पेपर का वापस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये 2-3 जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको आपको रिपीट करना है, जितना रिपीट करोगे उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनती जाएगी। अब इसके अंदर आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, जिसके पास ब्रश है वो ब्रश भी यूज़ कर सकता है, मैं आगे अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा ये भी चीज़। एक एक लेयर पे आपको फोकस करना होता है इसके अंदर रियलिस्टिक ड्राइंग में, ऐसे नहीं होता कि हाँ आपने। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो बीच में आप देख सकते हो उसके जैसे मैं आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को ऐसे पूरा एकदम वाइट नहीं ऐसे छोड़ रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, हल्के से यूज़ करनी है और उसको ब्लेंड करना है, फिर लास्ट में अपन ऐसे हाईलाइट ड्रॉ करेंगे इरेजर से, नीडेड इरेजर से या फिर टोम्बो इरेजर से। लेयर साइड अब आप देख सकते हो, देखो आपको कितनी रियलिस्टिक दिखती जा रही है ये। मैं यहाँ पे आप फाइनल टच दे रहा हूं, हल्के हल्के से एकदम लेयर को ब्लेंड करता जा रहा हूं। अब आपको करना क्या है, नीडेड इरेजर से हाईलाइट ड्रॉ करनी है, एकदम
एकदम अकॉर्डिंगली इसको शेप में लेके नीडेड इरेजर को आपको हल्के हल्के से हाईलाइट ड्रॉ करनी है। अगर हाईलाइट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ब्लेंडिंग स्टम से साइड वाले पार्ट को देखो आप, मैं ब्लेंड करता जा रहा हूँ। आप टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट्स ड्रॉ करने के लिए। तो दोस्तों, होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।